अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरे केस में कभी हमने देखा कि एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है यह भी पॉसिबल है कि एक्सटर्नल फोर्स लगे यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लगे कुछ ना कुछ तो फिर से हम लोग देखते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया ऐसा यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टिकल हैं तो कोई जरूरी नहीं कि है कि एक्स में ही है वाई कहीं भी हो सकता है जेड वेड कहीं भी हो सकता है ठीक है मान लो कि यहाँ पर हमारा नेट एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ लग रहा है प्लस इंटरनल भी लग रहा होगा तो इस केस में देखते हैं कि मोमेंटम चेंज होता है क्या होता है या सीएम जो हमारा है वेलोसिटी ऑफ क्या उस पर फर्ज पड़ता है किस तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकता है वो देखना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि इंटरनली इंट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट रिपल्सन एक्सप्रशन कुछ भी हो सकता है प्लस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मान लो कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक पार्टिकल हमने मान लिया कि ये पार्टिकल यहाँ यहाँ और भी है हमने मान लिया कि ये पार्टिकल पार्टिकल वन टू थ्री है इसको हमने नेम दे दिया आई और इसको दे दिया जे आई वन हो सकता है जे टू हुआ जे क्या ऐसे कर कुछ हमने नेम दिया ठीक है अपने कन्वीनियंट के लिए और हमने देखा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है सपोज इस पर हमारा फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे करके एफ आई एक्सटर्नल लगा है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स दिस इज एक्सटर्नल फोर्स और इस पर मान लो कि हमारा फोर्स ऐसे कुछ लग रहा है एफ जे सॉरी एफ जे एक्सटर्नल आप समझ रहे हो ये दोनों आपस में इंट्रैक्ट भी कर रहा है तो ये अगर इंट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे कर रहा होगा तो जे पर आई फोर्स लगा रहा होगा क्या लगा रहा होगा फोर्स ऑन जे ड्यू टू आई और यहाँ पर फोर्स ये लगा रहा होगा फोर्स ऑन आई ड्यू टू जे सॉरी जे ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है दो दो पार्टिकल कर लिया है उसका एनालिसिस करें फिर बाद में हमें सब कुछ समझ में आएगा तो यहां पर हमारे पास कौन कौन फोर्स है एक तो आपस में इसका इंट्रैक्शन है प्लस इसका एक्सटर्नल फोर्स है ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम लोग बात बोलें कि इस पर कौन कौन इसको थोड़ा बाहर निकाल कर अगर आपको दिखाएं तो देखना ये हमारा हुआ मान लो कि इतना दूरी पर है ठीक है हमारा फोर्स इस पर लग रहा है जे पार्टिकल पर पा आई के कारण और यहां से फोर्स लग रहा है कलर चेंज करता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा फोर्स ऑन आई पार्टिकल ड्यू टू जे यानि कि दिस इज आई दिस इज जे पार्टिकल है ठीक है आई एस पार्टिकल जे एस पार्टिकल जो भी है या ये भी आपने मीन कर सकता है और इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स एक और लग रहा है एक्सटर्नल एक्सटर्नल दिखा रहा है कि कुछ ऐसे लग रहा है ये लग रहा है कुछ ऐसे ये लग रहा है एफ एक्सटर्नल ऑन आई एफ एक्सटर्नल ऑन आई और यहां से ऐसे एक जा रहा है ये लग रहा है एफ एक्सटर्नल ऑन जे अब देखो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है ये सपोज ये अट्रैक्ट कर रहा है एफ तो यहां से हम लोग आराम से एक चीज बोल सकते हैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं पहले ली ऐसे देखो तो तुम्हारा रिजल्टेंट फैक्टर कुछ ऐसा मिलने वाला है यानी कि फोर्स ऑन जे रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा बस और यहां पर इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग इलोंगेट किया और इसको ऐसे तो देखो नेट फोर्स यहाँ कुछ ऐसे लग रहा होगा तो वेक्टर ट्रैंगल से हम लोग अप्लाई करें ऐड करने का इसको यहाँ पर किया एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन लगा और ये इस पर जो आई पर जे रहा था ऐसे लगा तो नेट हमारा ए आ गया एफ जे नेट एक्स रिजल्टेंट यहाँ शायद आप कन्फ्यूज ये मैंने दो को बड़ा दिखाया आपस में इंटरेक्ट भी कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स ही लग रहा है तो किस तरीके से फोर्स लग रहा होगा अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ टोटल ऑफ द सिस्टम क्या होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑन पार्टिकल वन प्लस मोमेंटम ऑन पार्टिकल टू प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल थ्री डॉट 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 प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन जो भी है कोई दिक्कत है नहीं अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि इसको अगर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें डेरिवेटिव टोटल तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डी पी डी पी ऑफ टोटल सिस्टम अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज इमेंट ऑफ द होल सिस्टम क्या होता है अभी हमने डिस्कस किए थे कि डी पी वाई डी टी हमने देखा था ना कि डी पी वाई डी टी क्या होता है फोर्स ये फोर्स कौन सा होता है एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की बात कौन है तो हमारा क्या हो गया फोर्स एक्सटर्नल हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया सिस्टम का टोटल तो यहां से हमें क्या गया फोर्स ऑन पार्टिकल वन हमारा आ गया फोर्स ऑन पार्टिकल वन प्लस फोर्स ऑन पार्टिकल टू नेट फोर्स ये आ रहा है ठीक है ना मोमेंटम नेट मोमेंटम की बात कर रहे हैं इसको आप नेट कर दो नेट फोर्स नेट यानी पार्टिकल वन पर कितना नेट फोर्स लग रहा है नेट फोर्स का मतलब क्या है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स दोनों की बात कर रहे हैं यानी कि इस पर हमने देखा ना अभी इंटरनल लग रहा है एक्सटर्नल भी लग रहा है अब सिर्फ इसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता बहुत है हो सकता है कि इस पार्टिकल से भी इंटरेक्ट कर रहा हो उससे हमें दिक्कत नहीं है तो यहाँ भी इस पर कुछ ऐसा लग रहा होगा इस पर कुछ ऐसे लगा रहा होगा इस पर हो सकता है इससे भी इंटरेक्ट कर रहा होगा इस पर लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा लेकिन ये क्या लग रहा होगा सारे पेयर में लग रहा होगा न्यूटर साल यही तो कहता है कि आप उस पर लगाओगे तो वो आप पर ही लगाएगा फोर्स तो यहाँ से एफ नेट जो है ये समझने वाले बात एफ नेट ये क्या है इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स बात समझना तो यहाँ से जितनी इंटरनल फोर्स हैं वो सब क्या है पेयर में है इस बात को ध्यान यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा टोटल मोमेंटर हमने सिस्टम का लिया ठीक है मोमेंटर को डरेवेट निकाला तो क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स निकला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल वन टू थ्री डॉट डॉट एन तक नेट फोर्स यहाँ जो है एक जो रियल्टेंट निकाला रियल्टेंट क्या है वेक्टर सम ऑफ इसका इंट्रैक्शन प्लस एक्सटर्नल फोर्स प्लस हो सकता है और भी कहीं से फोर्स लग रहा हो उसका वेक्टर सम इंटरनल हो सबका वेक्टर सम लेकिन एक्सटर्न इस पर जो भी लग रहा होगा अभी यहाँ क्या है एफ जो रिजल्टेंट हमने बोला है वो क्या है एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ एफ जे आई यानी कि वह जे पार्टिकल पे एक्सटर्नल जो फोर्स लगा प्लस सॉरी यहाँ जे लिखेंगे प्लस जे पर जो फोर्स लग रहा है आई के कारण हो सकता है कि कहीं और भी इंट्रैक्ट कर रहा हो तो इस पर क्या जुड़ जाएगा एफ ऑन जे ड्यू टू के जो भी है सर डॉट डॉट लेकिन एक चीज ध्यान रखना ये सारे फोर्स जो है वेक्टर ए पेयर में है यानी कि एफ जे आई का माइन किसका एफ आई का बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो जो भी इंटरनल फोर्स है वो सारे कैंसल हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो अगर हम लोग यहां से बोले कि एफ नेट एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल नेट इंटर इंटरनल तो नेट इंटरनली क्या है ये बेसिकली जीरो हो रहा है क्योंकि सब पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो टोटल नेट इंटरनल फोर्स हमारा क्या जीरो हो गया यानी क्या बचा एक्सटर्नल फोर्स तो हमें एक चीज़ एक बात समझ में आया यहाँ से कि अगर पूरा सिस्टम पर इंटरनली कुछ भी हैपनिंग हो रहा है अगर कुछ भी उसमें आ रहा है चेंजिंग यानी एक्सलेशन है जो भी उसका हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करने वाला वेलोसिटी चेंज हो रहा है जो भी वो किसके कारण होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यानी कि इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है समझ में आया चीजों को तो यहां एक क्या था सिस्टम टोटल था तो मैंने पहले ही लिख दिया तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको बेसिकली एक्सटर्नल नहीं एक नेट लिखना चाहिए था टोटल सिस्टम का है ना एनी anyway, तो यहां से हम लोग ये समझ में आया कि हमारा जो नेट ऑन द सिस्टम है वो क्या है एफ एक्सटर्नल नेट प्लस एफ इंटरनल और ये क्या है जीरो है क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करता है बिकॉज इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड मैं सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट करेगा यानी कि सिस्टम का जो फोर्स है टोटल जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं नेट फोर्स वो जो भी सिस्टम पर चेंजिंग आने वाला है यानी कि सेंटर ऑफ मास मारेशन ले लो या जो भी ले लो वो किस पर डिपेंड कर रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स पर किस पर डिपेंड कर रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स पर यानी कि इंटरनल में जो भी हैपनिंग हो रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसी पर डिपेंड करेगा एक होल सिस्टम का किस तरह हम लोग मैकेनिक्स स्टडी करने वाले हैं ओके नोट करो यहीं से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया यानी कि एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो हमारा एक्सलेशन है नहीं सिस्टम में एक्सलेशन सिस्टम में है नहीं यानी कि चेंज इन मोमेंटम हो जीरो तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है तो यहीं से हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अगर मैं बोलूँ एफ एक्सटर्नल हमारा ज़ीरो हो गया यानी कि सिस्टम का टोटल जो फोर्स है नेट वो हमारा ज़ीरो है यानी कि सिस्टम की बात करें टोटल तो डी पी वाई डी टी सिंपल लिख रहा होता तो लंबा नहीं लिख रहा डी पी वाई डी टी यानी चेंज नहीं हो रहा हमारा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो चेंज नहीं हो रहा मोमेंटम यानी मोमेंटम क्या हो गया कंजर्व हो गया यहाँ से भी आपको रियल समझ में आ रहा है